वेलकम नॉलेज यूट्यूब पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग टॉपिक की बात करते हैं। हमारा टॉपिक आज का है यूज ऑफ स्टार्ट। आइए देखते हैं कि हम लोग स्टार्ट का यूज कहाँ कहाँ करते हैं। सो लेट्स सी। सबसे पहले बात करते हैं यूज ऑफ स्टार्ट। यहाँ पे लिखा है नोट। नोट में है जिन सेंटेंस के लास्ट में लगता है, लगती है, लगते हैं, लगा, लगी, लगे, लगेंगे, लगेगी, ऐसे वर्ड्स आए तो वहाँ पे हमें यूज करना होता है स्टार्ट का। यहाँ पे हम लोग देखते हैं दूसरी पहचान हमारी ये हो जाती है कि जब आपको ये लगे कि कोई काम स्टार्ट हो चुका है या स्टार्ट है तो वहाँ पे हम लोग स्टार्ट का यूज करते हैं। हम बात करते हैं प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है तो वहाँ करेंगे स्टार्ट्स। अगर प्लूरल नंबर है तो वहाँ हम करेंगे स्टार्ट। और अगर बात करते हैं पास्ट टेंस की तो पास्ट टेंस में सभी के साथ हमें यूज करना होगा स्टार्टेड। तो हम लोग अब बात करते हैं अपने स्ट्रक्चर की। हमारा अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर हमारा क्या होगा? सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, फिर हमारा होगा स्टार्ट, और स्टार्ट के बाद मेन वर्ब में हम आईएनजी का यूज करेंगे। अगर स्टार्ट के बाद हम लोग मेन वर्ब की आईएनजी का प्रयोग नहीं करेंगे तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा। इसके बाद में हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद भी यदि कुछ है तो वो हमारा हो जाएगा अदर वर्ड। फिर हम लोग बात करते हैं निगेटिव की। निगेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट या नेवर, जो भी एप्लीकेबल हो, उसके बाद में स्टार्ट, स्टार्ट के बाद मेन वर्ब और इसी में आईएनजी, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद में हम लोग बात करेंगे अदर वर्ड की। अब हम लोग बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स की। तो हमारा एग्जांपल है पहला, इसको भी साफ कर देता हूं, हमारा पहला एग्जांपल है तारे रात में टिमटिमाने लगते हैं। हमने बताया था लगते हैं, जहां लगते हैं, लगती है, वहां हम लोग यूज करते हैं स्टार्ट का। अगर सिंगुलर नंबर होगा तो स्टार्ट्स, और अगर प्लूरल नंबर को होगा तो हमारा क्या हो जाएगा स्टार्ट। अब हम लोग इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हमारा स्ट्रक्चर क्या था? सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सब्जेक्ट, यहां हो जाएगा दी स्टार्स, बहुत सारे तारे हैं इसलिए स्टार्स। अब हम लोग क्या करेंगे स्टार्ट, क्या करेंगे हम लोग स्टार्ट। स्टार्ट के बाद में हम लोग रखेंगे मेन वर्ब। मेन वर्ब यहाँ है टिमटिमाना, और टिमटिमाने की मीनिंग होगी सिमर। अब सिमर में हम लोगों को आईएनजी जोड़ना होगा क्योंकि स्टार्ट वाले सेंटेंस में आईएनजी जोड़ना कंपलसरी है। अगर आईएनजी नहीं जोड़ेंगे तो सेंटेंस हमारा गलत होगा। तो हमने कर दिया सिमरिंग, कब? रात में, तो एट नाइट। क्या हो गया हमारा? एट नाइट। हम लोग फिर से बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट द स्टार्स हो गया, उसके बाद में लगते लिखा है तो हमने कर दिया स्टार्ट। अगर यहाँ पे सिंगुलर नंबर होता तो हम लोग करते स्टार्ट्स। इसके बाद में सिमर, उसी में आईएनजी, कब? एट नाइट। अब इस सेंटेंस को हम लोग एक और मेथड से कर सकते हैं, हम लोग वो भी सीख लेते हैं एक साथ। तो हमारा नेक्स्ट मेथड देखो क्या रहेगा। हमने लिखा दी स्टार्स, फिर यहाँ हमने लिख दिया है बेगिन टू। अब देखिए यहाँ पर हमें अगर स्टार्ट को रिमूव करना हो तो उसकी जगह हम लोग कर सकते हैं बेगिन टू। अब ये प्लूरल नंबर है इसलिए कर दिया बेगिन टू, और अगर सिंगुलर होता तो कर देते बेगिन्स टू। तो हमने यहाँ कर दिया बेगिन टू। अब यहाँ पे हम लोग करेंगे सिमर। सिमर हमारा यहाँ पे है ये बेस फॉर्म। क्या है हमारा? ये बेस फॉर्म, क्योंकि ये इन्फिनिटिव टू होता है और इन्फिनिटिव टू के बाद में आता है बेस फॉर्म। तो सिमर एट नाइट,
समझ में आया? तो फिर से हम लोग बात कर लेते हैं, डाई स्टार्स बैगिन टू के बाद में हो जाएगा सिमर, सिमर के बाद में आ गया एट नाइट। अब हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल रहेगा घोड़ा हिनहिनाने लगता है। देखिए लगता है आ गया, तो हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो देखो कैसे बनाते हैं, घोड़ा है तो ए हार्स, जैसा कि हमारे स्ट्रक्चर में था कि सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो मेन वर्ब। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ घोड़ा सिंगुलर नंबर है इसलिए क्या करेंगे यहाँ पे, स्टार्ट्स, क्या करेंगे स्टार्ट्स। अगर प्लूरल होता तो केवल स्टार्ट, कि हो जाएगा ए हॉर्स स्टार्ट्स। अब मेन वर्ब यहाँ पे क्या है, हिनहिनाना, तो हिनहिनाने क्या होती है, ने, और स्टार्ट है तो आएंगी जोड़ेंगे, ये हो जाएगा नेइंग। हम लोग फिर से बात करते हैं, ए हॉर्स स्टार्ट्स नेइंग। अब इसको अगर हम लोग अपने दूसरे टॉपिक से बात करते हैं, दूसरे मेथड से बात करते हैं, तो क्या होगा, तब हमारा हो जाएगा ए हॉर्स, फिर यहाँ हो जाएगा बेगिन्स टू, क्योंकि सिंगुलर नंबर है इसलिए हमने जोड़ दिया एस, तो बेगिन्स टू। अब यहाँ आ जाएगा केवल बेस फॉर्म, तो ये हमारा हो जाएगा ने। हम लोग कुछ और एग्जांपल की बात करते हैं, तो हमारा अगला एग्जांपल है हम लोग बात करते हैं पास्ट की, पास्ट में कैसे करेंगे, कुत्ते अजनबियों पर भौंकने लगे, लास्ट में क्या गया, लगे। और अभी मैंने बात की थी लगता है, लगती है, लगते हैं, लगा, लगी, लगे, जहां पे आएगा वहां हमको यूज करना होगा स्टार्ट का। तो देखिए ये पास्ट है, अभी मैंने बताया था कि जब पास्ट होगा तो हम लोग करेंगे स्टार्टेड, किसका यूज करेंगे स्टार्टेड। तो देखिए सबसे पहले कुत्ते बहुत सारे हैं, तो ये हो गया द डॉग्स, फिर क्या करेंगे हम लोग स्टार्टेड, क्या करेंगे स्टार्टेड। फिर यहाँ पे भौंकने की बार्क है, स्टार्ट है तो आईएनजी जोड़ेंगे, क्योंकि बिना आईएनजी का नहीं बनेगा। तो बार्किंग किस पर भौंक रहे हैं, एट दी अजनबी की होती है स्ट्रेंजर्स, क्या होती है स्ट्रेंजर्स। हम लोग फिर से बात कर लेते हैं, सबसे पहले लिखा हमने द डॉग्स, इसके बाद में पास्ट है इसलिए यहाँ पे कर दिया हमने स्टार्टेड, और मेन वर्ब में कर दिया हमने आईएनजी, तो बार्किंग किस पर, अजनबियों पर। हम लोग बात करते हैं एक्स्ट्रा नॉलेज की, एक्स्ट्रा नॉलेज जैसे कि पीछे वीडियो आपने देखी होगी, तो उसमें हम लोग कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज लेके चलते हैं। देखो अच्छा यहाँ पे लिखा है बार, बार्क मीन्स होता है भौंकना, सबको पता होगा क्योंकि आप लोग बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, और इसी बार्क का मतलब होता है पेड़ की छाल। इसको नहीं पता है तो फ्रेंड्स इसको पढ़ लेना। अब अगर इसी को हम लोग दूसरे मेथड से बनाएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, जरा देखते हैं हम लोग दूसरे मेथड से बनाएंगे तो हमारा हो जाएगा दी डॉग्स, फिर यहाँ पास्ट है तो हम लोग कर देंगे बिगेन टू। अब बिगेन टू हमारा क्या है, इन्फिनिटिव टू हो गया, तो बेस फॉर्म आ जाएगा बार्क, किस पर भौंक रहे हैं, एट दी स्ट्रेंजर्स, किस पर भौंक रहे हैं, एट दी स्ट्रेंजर्स। फिर से बात कर लेते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद में पास्ट है तो बिगेन टू लगा देंगे क्योंकि कार जारी है, इसके बाद में भौंकने की बार्क हो गई, किस पर भौंक रहे हैं, अजनबियों पर। कुछ और एग्जांपल हम लोग देखते हैं, तो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है मोर जंगल में नाचने
लगा। तो दोस्तों यहाँ पे आ गया लगा, और अभी मैंने बात किया था लगता है, लगती है, लगते हैं, लगा, लगे, लगे, तो क्या करें वहाँ पे हम लोग करेंगे वहाँ पे स्टार्ट का यूज करेंगे। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे मोर, तो यहाँ हो जाएगा ए पीकॉक, क्या हो गया यहाँ पे दोस्तों ए पीकॉक, ए पीकॉक यहाँ पे है। तो हम लोग यहाँ किसका यूज करेंगे स्टार्टेड का, किसका यूज करेंगे स्टार्टेड का। अब यहाँ पे स्टार्टेड फिर क्या है नाचने की, नाचने की यहाँ पे हो गई डांस, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे डांसिंग कहाँ पर इन दी जंगल, जंगल की दोस्तों हम लोग कर देंगे यहाँ पे वुड्स, वुड्स मतलब जंगल होता है, वन भी आप बोल सकते हो। एक एग्जांपल हम लोग फ्यूचर की बात कर लेते हैं, इसको अगर हमको दूसरे मेथड से बनाना है तो इसकी जगह हम लोग कर देंगे बिगेन टू, क्या कर देंगे हम लोग बिगेन टू, बाकी पूरा सेम रहेगा। हम लोग एक लास्ट एग्जांपल की बात करते हैं फ्यूचर टेंस की, हमारा फ्यूचर टेंस है वह ढोलक बजाने लगेगी, लगेगी कार्य जारी हो गया, तो हम लोग बनाएंगे सी विल, फिर हम लोग करेंगे स्टार्ट, और ढोलक बजाने की बीटिंग दी ड्रम। अगर इसको हमें बनाना है दूसरे मेथड से तो क्या हो जाएगा, इसकी जगह हम लोग कर देंगे बेगिन टू, बाकी हमारा पूरा सेम रहेगा। तो दोस्तों आज का हमारा सेशन कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।